गुड मॉर्निंग। ऐसा है, हमने महान तपस्वी ने शिवानी जी का आज जो उनका प्रोग्राम था वीडियो 15 मिनट का सुना। उनका तात्पर्य ये था कि आप टेंशन में रहते हैं, टेंशन के बचने के ये उपाय हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत सुंदर कहा, हम उनकी सराहना करते हैं। बीच बीच में वो अंग्रेजी के भी शब्द काफी बोलती हैं। ये एक अलग बात हुई, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। देखिए, इस बारे में हम उनकी बात से सहमत भी हैं और सहमत नहीं भी हैं, क्योंकि देखिए, इस जीवन के अंदर जो मनुष्य अपना घर बार छोड़ देता है, आप यूं समझिए वो कोई साधु संत बन जाता है, परिवार को छोड़ देता है, तो उसे कोई टेंशन, कोई तनाव, इस तरह की कोई चीज़ उसके पास नहीं फटकेगी। उसका किसी भी वक्त चेकअप करवा लीजिए, जो इस तरह जो साधु संत अथवा जो मस्तिष्क से विकृत हैं, पागल जैसे, तो उनका सब नॉर्मल मिलेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलेगा, शुगर नॉर्मल मिलेगी, उनके सिर के बाल भी नहीं उठते, वो सब तरह से फिट मिलेंगे। उनको तो जो एक बीमारी होनी है, कोई पागलपन का है तो क्या है, कोई भीख मांगता है, कोई क्या, वो एक ही बीमारी, उसके अलावा और कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनका जो दिमाग का जो कनेक्शन है सोचने का और समझने का, जिसके साथ परिवार लगा रहता है, वो विच्छेद हो गया। वो विच्छेद होने के बाद उसको न घर का पता है, न बाहर का पता है, जो मिल गया सो खा लिया, न मिला तो भी कुछ बात नहीं, जैसा पानी भी जानवरों की तरह पी लेते हैं, इस तरह के मनुष्य मेरे घर के सामने मैं रोज देखता हूँ। वहाँ गणेश जी के मंदिर में रोज 150 इस तरह के विषक्त और गरीब भोजन करते हैं, तो उनको जितना मिले उतना खा लेते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाते हैं, कोई तनाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, न वो महीनों तक नहाते हैं, न कपड़े धोते हैं, न मुंह धोते हैं, न दाढ़ी बनाते हैं, कहीं उनके शरीर में एलर्जी नहीं, खुजली नहीं, कुछ भी नहीं। और आप और हम इतनी साफ सफाई से रहते हैं, पीएस सोप का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से अच्छा तेल लगाते हैं, इन सब के बावजूद अपने को खांसी जुकाम इस तरह की कई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहते हैं आपको एलर्जी है, इस चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, उससे एलर्जी है। प्राय में देखता हूँ कि सिर के बाल बहुत कम उम्र के अंदर ही उठ जाते हैं, ऐसा क्यों? मैंने कालबेलिया समाज के अंदर काफी समय व्यतीत किया, उन लोगों के बीच के अंदर, तो वो लोग जैसी भी साबुन मिलती है उससे 8-10 दिन में नहा लेते हैं, और जो खाना मिलता है वो खा लेते हैं और मस्त रहते हैं। उनके बाल कभी सफेद नहीं होते, बाल कभी गिरते नहीं, क्योंकि वो तनाव में रहते ही नहीं है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, आज यहाँ डेरा तो कल वहां डेरा, उनको कोई लोकर की जरूरत नहीं, उनको कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई तनाव नहीं, इस तरह की जिंदगी वो व्यतीत करते हैं। और राग से, यानी कि जो
रोटी बनाते हैं उसकी जो राख होती है उससे अपने दांत साफ करते हैं, उनका दांत में कोई तकलीफ नहीं होती, दांत पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और हम अच्छे से अच्छा पेस्ट करते हैं। अपने दांतों में पीड़ा होती है, डॉक्टर रूट कैनाल कर देता है, नकली दांत लगा देता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे समय में अपनी बालिकाओं के, अपने बच्चों के बाल गिरने लग जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? आप कहेंगे खान पान शुद्ध नहीं है। अरे तो और जो आदमी रहते हैं जो मजदूर पैसा के, तो उनके कौन से खान पान शुद्ध हैं? जो हम खाते हैं वही चीज उनसे भी, अपन जो खाते हैं उनसे भी वो कमजोर चीज खाते हैं, उनको कहाँ नसीब होता है। वो 10 रुपए का तेल बाजार से ले आते हैं, जो भी कोई दे देता है वो जो भीख मांगे तेल मांग मांग के दुकानदार को बेच देते हैं, वो तेल उनको देते हैं और वो उसी तेल के अंदर अपनी सब्जी या जो चटनी जो भी बनानी है वो बना के खा जाते हैं। वो उनको न कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है न कुछ और बढ़ता है, जबकि आप और हम अच्छे से अच्छा तेल खाते हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसका सिर्फ एक ही कारण है, खान पान को दोष देना बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। आप और हम ग्रस्त हैं, और जब हम ग्रस्त हैं, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके 4-5 लड़कियां और अच्छी जाति से हैं, लेकिन गरीबी के मारे अगरबत्तियां उनकी बच्चियां घर पे बनाती और उनके पिता अगरबत्तियों को ठेले में भर के और साइकिल के ऊपर लटका के गांव के अंदर एक के घर के अंदर घूम घूम के एक एक पैकेट अगरबत्ती का बेच बेच के उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। एक के एक बच्ची की जैसे तैसे न मालूम किस तरह से टेंशन के अंदर उनकी शादियां की, कितने टेंशन, उनको टेंशन नहीं होगी, उनकी टेंशन का इलाज है? किसी के पास इलाज है उनकी टेंशन का? क्यों उनको टेंशन से निकाल दें? अरे जो जिनके दाएं बाएं 10-5 आदमी घूमते हैं, सिक्योरिटी घूमती है, गले के अंदर शॉल डाल देती हैं, श्वेत वस्त्र पहन लेती है, प्रवचन देती है, न इधर की फिक्र न उधर की फिक्र, तो उनको टेंशन काहे की रहेगी? प्रवचन देने में क्या दिक्कत है? मैं भी तो दे रहा हूं, हकीकत क्या है? हकीकत का सामना करो तब जाके मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होती है। आज कोई ऐसा आदमी नहीं बचा घर गृहस्थी वाला सामाजिक प्राणी जिसको टेंशन नहीं हो, तनाव नहीं हो। अरे वो जीवन ही क्या जिसमें टेंशन ना हो? और इस टेंशन इस तनाव का सामना करते हुए एक ग्रस्त अपने घर की गृहस्थी को चलाता है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। अरे साधु बन के तुमने जिंदगी गुजार दी तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया, प्रवचन देने में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनको परिवार चलाना है, बहन बेटियों की शादी करनी है, समाज के अंदर अपने संबंध रखने हैं, सबके साथ हिल मिल के रहना है, उनको तो टेंशन होगा ही होगा, होगा ही होगा। वो कैसे बच सकते हैं? आज आप यूं मान के चलिए कि बाबा रामदेव को मान के चलिए, वो अपने पिता को भूल गए, अपने माता को भूल गए, उनके पिता भी मौजूद हैं, कभी उनके साथ में उनके फोटो वगैरह उनकी सेवा करते हुए उनको नहीं देखा, और वो पूरे हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, व्यापार खोल दिया उन्होंने, धंधा खोल दिया और उनकी सिक्योरिटी लगा दी, उनको काहे की टेंशन? किस बात की टेंशन? टेंशन हुई संत कबीर को, क्योंकि वो एक गृहस्थ थे, उनको तनाव रहता था कि अगर आज कुछ काम नहीं करेंगे
कुछ रुपया नहीं आएगा तो परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, तो ये टेंशन उनको थी, ये टेंशन आपको है, ये टेंशन मुझे है, और हर सामाजिक जो घर गृहस्थी वाला है उसको एक टेंशन जरूर रहेगी। किसी को शरीर की तकलीफ की रहेगी, किसी को आर्थिक रहेगी, बाकी बिना टेंशन के। अरे नानक जी कह गया कि नानक दुखिया सब संसार। अरे इस संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कोई ना कोई टेंशन नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं। भगवा पहन करके और गले के अंदर दुपट्टा डाल के सिंहासन के ऊपर बैठ के और आराम से प्रवचन देना, इस तरह करना है, वो करना है, ये करना, इसमें कोई ताकत नहीं लगती। ताकत का कहां? अरे उस आदमी को देखो जिसका परिवार बड़ा है, चार छह खाने वाले घर के अंदर हैं और उसके पास गुजर बसर का कोई ऐसा धंधा नहीं है, उसको टेंशन तो होगी, उसके सिर के बाल भी उड़ेंगे, उसको हाइपरटेंशन भी होगा और उसको शुगर भी होगी, उसको कई बीमारियां होगी और वो मरेगा। वो कैसे बच सकता है? क्या मैं बचा सकता हूं? क्या अब क्या बताएं? क्या शिवानी जी बचा सकते हैं? मैं उनको लिस्ट बना के भेज दूं कि अमुक अमुक व्यक्ति इस टेंशन से ग्रसित है, उनकी टेंशन को वो दूर कर सकती हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रवचन देना, अरे बहुत इजी काम है, दो चार अंग्रेजी के बीच में शब्द बोल दो, धीरे धीरे बोल दो, 100-200 आदमियों का हुजूम अपने साथ में लगा लो, वाह वाह लूट लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हकीकत का सामना करने के लिए सामाजिक बनो, और सामाजिक बनने के बाद पता चलेगा कि टेंशन तनाव क्या होता है। फिर भी मैं गुजारिश करता हूं कि हर इंसान को टेंशन से बचना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं स्वयं टेंशन में हूं जबकि मुझे कोई कमी नहीं है। फिर भी देखिए आदमी के दिमाग के अंदर कहीं चीजें ऐसी होती है जिनको वो बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो कह नहीं सकता। इस बारीक रहस्य को शिवानी जी कब समझेंगी? और उससे उसको दिमाग में टेंशन होती है। अरे जिनके पास खूब पैसा है उनको भी टेंशन, तो गरीब को तो होनी होनी है, पैसे वाले को ये टेंशन कि परिवार में झगड़ा, मेरे को ये संपत्ति कम मिली, मेरे को वो कम मिली, वो इस तनाव के अंदर रोगी हो जाते हैं, मर जाते हैं, और गरीब के तो गरीबी उसकी टेंशन सबसे बड़ी है। तो इस टेंशन से कौन कैसे बचेगा, कैसे बचेगा मेरे को बताएं। कोशिश करनी चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूं, मैं कोई उनकी बात को गलत नहीं करार दे रहा, मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तह में झांक करके, यानी कि एक सिर्फ कुएं के अंदर जो मेंढक रहता है वो उसका मेजरमेंट निकालता है कि खूब आनंद की जगह, इतनी जगह बहुत है, तो उसको ये पता नहीं कि बाहर कितने तालाब हैं, कितने समुद्र हैं, कितनी रचना है, कहाँ कहाँ घूमना, कहाँ कहाँ फूमना, उसको कोई मालूम नहीं। तो जब तक उसको कुएं से बाहर नहीं निकालेंगे मेंढक को, तो उसको कैसे पता लगेगा कि क्या क्या है, समुद्र है, तालाब है। तो इस तरह के प्रवचन देने वाले जितने भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, न मेरे को किसी से कोई द्वेष है, न मेरे को किसी से कोई जलन नहीं है, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं पुराने समय की 6 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, और ये जो वक्ता हैं ये महान पढ़े हुए हैं, लर्नड हैं, जगह जगह घूमते हैं, देश में विदेश में सब भाषाओं के जानकार हैं, हम तो एक ही मोटी भाषा जानते हैं, इसके अलावा और कोई भाषा हम नहीं जानते।
हम तो वही भाषा जानते हैं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उस भाषा को जानते हैं। किसको तकलीफ हो रही है उसको हम समझते हैं, हम उसी भाषा को जानते हैं। किसको कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, यदि हो सकता है हम उसकी पूर्ति कर दें, हम उस भाषा को जानते हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते, क्षमा चाहते हैं। हम फिर आएंगे आपकी सेवा में। जय हिंद।